Welcome back students. In this video we will study oxidation and reduction in terms of oxidation number. मैंने कल आपको बताया था कि oxidation and reduction को हम काफी तरीकों से define कर सकते हैं. एक तो हमारा जो simple old means classical concept है addition of oxygen and removal of hydrogen, उसको oxidation बोला था हमने. addition of hydrogen and removal of oxygen को हम लोग reduction बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हमने सीखा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं. इसी तरह से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. अब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने फाइंड आउट करने सीख लिए. अब हम इस डेफिनेशन को इजिली समझ सकते हैं. देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अगर आपके पास कहीं पे कोई केमिकल इक्वेशन है और आपको वहां पे दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे क्या हो गया है इंक्रीज हो गया, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस. अगर कहीं पे हो जाए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कहीं पे मिल जाए आपको डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन मतलब क्या हो जाता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. चलिए हम एक इक्वेशन की हेल्प से करते हैं. एक इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. ये वाला आपका एक रिएक्शन होता है. इस रिएक्शन में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर. सबसे पहले हम लोग क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करें जो हमने फाइंड करने सीख लिए हैं, जिसके रूल्स हमको अच्छे से पता है. जिंक एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा. इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिख देते हैं ऐसे, जीरो. अब हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड. अब हमारा सीधा सीधा रूल है कि जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह प्लस वन रहेगा, हर कंपाउंड में प्लस वन रहेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, वहां पे माइनस वन हो जाता है. क्लोरीन हमारा हेलोजन है, हेलोजन्स का हमने रूल पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, माइनस वन रहता है. इधर देखो हाइड्रोजन आपका फिर से यहाँ एलिमेंट्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड में क्लोरीन का तो हमको पता है कितना होता है, माइनस वन, बट जिंक का तो हमें नहीं पता. तो आप फाइंड कर लो, करके देख लो इस तरह से कि हमारे पास है जिंक क्लोराइड, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है तो हम उसको लेट क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे. एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, माइनस वन. यहाँ पे टू है तो कितना हो जाएगा, माइनस टू, यानी कि एक्स माइनस टू. आपका सब्सटेंस न्यूट्रल है तो इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस टू. तो इस कंपाउंड में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या मिल गया, प्लस टू मिल गया. क्लोरीन का कितना होता है, माइनस वन. अब होता माइनस वन है, यहां जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हमने माइनस टू लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन थे. बट देखो जब हम सब्सटेंसेस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम एटम्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा सिंगल एटम का. तो एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होता है, माइनस वन ही होता है. तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस वन. ठीक है, लिख लिया आपने अच्छे से. अब इसमें चेक करो, देखो लेफ्ट साइड में भी मींस रिएक्टेंट साइड में भी आपके पास जिंक है, प्रोडक्ट साइड में भी आपके पास जिंक है. उसके ऑक्सीडेशन नंबर को ऑब्जर्व करो. जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर था कितना पहले, जीरो. हो कितना गया, प्लस टू हो गया, जीरो से प्लस टू, यानी कि इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ऐसे एरो लगा देते हैं, जिंक है, जिंक से लेकर के इस जिंक तक, क्योंकि हम जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे दिख गया, ऐसे एरो लगा दिया, इस जिंक से इस जिंक तक क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में. तो लिख सकते हैं हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और अभी हमने क्या पढ़ा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज द ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे इधर क्या हो गया है, इधर से इधर जो आपको एरो दिख रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की हो रही है. नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोजन पे. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर था प्लस वन रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना है, जीरो. प्लस वन से जीरो चला गया यानी डिक्रीज हो गया. लगा दो एरो ऐसे, क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हमने क्या लिखा, इट इज नोन एज द रिडक्शन. तो प्रोसेस किसकी हो गई है, यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस. ठीक है, ऑक्सीडेशन भी आपको दिख गया कहाँ हो रहा है,
रिडक्शन भी आपको दिख गया कहां हो रहा है, क्लोरीन जो है इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही दिख रहा है आपको रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने होंगे और फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कहां ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से ही रिलेटेड होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिनको हम लोगों ने और क्या बोला था, ऑक्सीडेंट भी बोला था, और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं और रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब अपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो सब्सटेंस होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। मींस जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, जिंक से, है ना। जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गया जिंक क्लोराइड में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया यानी इस केमिकल इक्वेशन में जो हमारा जिंक है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, अब जिसका होगा रिडक्शन वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दोनों अपोजिट है, ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन जहां हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो देखो रिडक्शन कहां हुआ, इधर हाइड्रोजन के केस में हो रहा है। तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है इस कंप्लीट कंपाउंड को बोला जाएगा कि HCl यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। HCl क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हो गई हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन।